हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आपका इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। एक बार फिर से आईयूपीएससी के नॉमिनक्लेचर की इस बेहतरीन से सेशन में आप सबका स्वागत है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्वेश्चंस की जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो सब हम पिछले लास्ट 3 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और जाकर के देखिए, देरी किस बात की। आज हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें दिखे, यानी एल्कीन या एल्काइन अगर हमें दिखे तो हम लोग उसका नाम कैसे करेंगे, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं तो इस लेक्चर के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। आप कितना एक्साइटेड हैं ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। और आज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन शायरी सुनाने वाला हूं, तो उसके लिए आपको इंतजार करना है जब मैं अभी लेक्चर स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मैं शायरी तो सुना दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि बहुत जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को, आपके दोस्तों को सब जगह ये बता दो कि स्टडी पॉइंट पर केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू हो चुका है, फटाफट से आ जाओ और आप लोग इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करा दो, ठीक है? और अगर खुद नहीं किया है तो खुद भी कर दो, यहां से बेल आइकन का बटन भी आप लोग प्रेस कर दो, ठीक है? और उसमें ऑल वाले ऑप्शन पर। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, तो फटाफट से कर दो यार, क्या जाता है इन सब चीज़ों में आपका, ठीक है? तो इसको फटाफट से आप ऑन कर दीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, फटाफट से ऑन कर दीजिए। अब आपका जो लेक्चर नंबर 4 है इसको हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मेरा जो प्रॉमिस है वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। आप लोगों का क्या जो प्रॉमिस है सब्सक्राइब कराने का और लोगों को बताने का कि आपने वो किया, मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूँ। शायरी सुनिए, कैसी लगी ये शायरी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? मुझे चाहिए उड़ान, चलने से गुजारा नहीं होगा, मुझे चाहिए उड़ान, चलने से गुजारा नहीं होगा, वक्त बस वक्त को देखने से समय हमारा नहीं होगा, बस वक्त को देखने से समय हमारा नहीं होगा, हालात बदलते हैं मेहनत से, हालात बदलते हैं मेहनत से, और ये बात बिल्कुल सही है, लोग रह लेते हैं खुश हर हाल में, लेकिन हम उनमें से नहीं है। हमें अगर लोगों से अगर अलग हटके कुछ करना पड़ेगा तो हमें मेहनत भी उनसे ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो हमें उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आप लोग इस चैनल के साथ, हमारे साथ, हम जैसे टीचर्स के साथ आप उस मेहनत को करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अपने माता पिता का नाम, अपने जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम जरूर रोशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड का क्या मतलब होता है बेटा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड, या तो उनके पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है? अब ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहां से आया, कैसे आ गया? तो ये आता है लैकिंग ऑफ, कैसे? लैकिंग ऑफ हाइड्रोजन से। अगर जब हाइड्रोजन की कमी होती है, जैसे दो कार्बन है और दो कार्बन, मान लीजिए ये एक वो बॉन्ड है, इसमें एक कार्बन इधर लगा है, एक कार्बन इधर लगा है, ठीक है? और कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, आपको पता है, एक वैलेंसी से वो जुड़ा हुआ है, 3 वैलेंसी फ्री है। अब उन 3 वैलेंसी में से एक हाइड्रोजन इधर से हट गया, एक हाइड्रोजन इधर से हट गया, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब दोनों ने वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में बना लिया, यानी एक बॉन्ड से वो डबल बॉन्डेड हो गए, सिंगल बॉन्डेड से डबल बॉन्डेड हो गए, ठीक है? और इसी तरीके से अगर मान लो दूसरा भी उन्होंने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, हटा दिया दूसरा हाइड्रोजन भी, तो डबल बॉन्ड ऑलरेडी बना था, दोनों कार्बन ने एक एक हाइड्रोजन और लूज किया, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और जुड़ गए, तो कैसे हो गए? ट्रिपल बॉन्ड हो गए, समझ गए?
अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो आगे का लेक्चर, अब इसको करना कैसे, हाँ ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको करना कैसे, कैसे करेंगे इसको। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है पेरेंट चेन को, फिर आपको नंबरिंग करनी है पेरेंट चेन की, और उसके बाद आपको नेमिंग करनी है पेरेंट चेन की, ठीक है। आपने अगर सेकंड लेक्चर देखा है तो आप लोग इस लेक्चर को बहुत आसानी से समझ लोगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और अगर नहीं देखा है तो यार जाकर के देख लो। एक और चीज आप कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि आपकी क्लास लाइव स्टार्ट की जाए, जो अपलोडेड लेक्चर अपलोड हो रहे हैं इनके कंपैरिजन में आप क्या चाह रहे हैं कि आपको क्लास लाइव मिले। अगर ये भी चाह रहे हैं तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप कैसे चाहते हैं, कि आपको ऐसे ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले या आपको लाइव क्लास चाहते हैं कि आप लाइव क्लास में अटेंड करें, ठीक है। तो चलिए इतना काम आप करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि क्लास आपकी लाइव होगी या रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग एकदम सीधे कमर सीधी करके बैठ जाओ और चेहरा आप मेरी तरफ, और कॉपी और पेन 2 मिनट के लिए रख दो, पहले समझ लो और फिर आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। देखो पहला इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के पेरेंट चेन, ठीक है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब है, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी अभी तक हम क्या करते थे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ऐसी कार्बन चेन को सिलेक्ट करते थे जो जिसमें ज्यादा कार्बन हो, वो वाली पेरेंट चेन होती थी। लेकिन अब क्या करना है, आपको ऐसी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो इन रिस्पेक्टिव ऑफ मोर कार्बन्स। हमें ज्यादा कार्बन नहीं देखने, हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कैसे ज्यादा आ जाए हमारी पेरेंट चेन में, ठीक है। तो अब देखो कुछ क्वेश्चन आपको जो दिए गए हैं इनको कैसे करना है। देखो तो इस वाले में आपको कैसे सेलेक्ट करना है, देखिए ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि सर इधर से भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले में नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखिए यहां से ये और ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डबल बॉन्ड यहां से होगा। अच्छा ये वाले आप क्वेश्चन में बताइए जरा कि इस वाले क्वेश्चन में आप कैसे सिलेक्शन करेंगे, क्या आप स्ट्रेट जाएंगे? नहीं, स्ट्रेट जाएंगे तो आपको बेटा सारे सिंगल बॉन्ड मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप यहां से ऐसे आ रहे हैं तो आपको देखिए डबल बॉन्ड मिलेगा। तो हमें क्या करना है, मोर डबल बॉन्ड यानी मोर मल्टीपल बॉन्ड्स को अपनी तरफ कैरी करना है, लाना है। ज्यादा कार्बन नहीं देखने हैं, कार्बन के साथ साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को भी देखना है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, तो इसमें आप क्या करें, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि देखिए सबसे पहले आप गिनिए कि कार्बन कितने हैं। चलो भाई कार्बन गिन लेते हैं। देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, ठीक है। अगर इधर से आए तो 3, ये 4, 5, 6, इधर से आते हैं तो तब भी वही होगा 4, 5, 6, ये हो जाएगा आपका 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन होंगे, लेकिन फिर आपका डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो आपको ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें आपको ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और साथ साथ कार्बन दिया जाए। तो आप क्या करेंगे, ये वाली चेन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, या चाहे तो आप ये वाली चेन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नीचे वाली भी, ठीक है। ये इस चेन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही, ये भी सही है और ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम परेशानी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या।
होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए, अब अगले क्वेश्चन में देखिए, यहां पर इसमें कौन सा हम सिलेक्शन करेंगे, कौन सी चेन को सिलेक्ट करेंगे, तो ये वाली चेन आप सिलेक्ट करेंगे, बहुत सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड रूल पर। दूसरा रूल क्या कहता है, रूल नंबर टू, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल रही है टेलीग्राम चैनल पर, तो फटाफट से जाना है उस पर और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना है, ठीक है। कोई भी आपको यहाँ पर छूट जाता है कुछ, तो आपको तुरंत वहां से नोट कर लेना है, ठीक है। इतना अच्छा कंटेंट मैं फिर बता रहा हूँ आपको, दोबारा मिलने वाला नहीं है। अब देखिए रूल नंबर टू क्या कह रहा है, इफ टू कार्बन चेन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, अगर दो कार्बन चेन हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, देन सेलेक्ट द प्रिंसिपल चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, यानी मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स एंड मैक्सिमम कार्बन। अगर ऐसी चेन हो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बराबर हो जाए, ठीक है, तो ऐसी चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ कार्बन भी ज्यादा हो, ठीक है। अगर ऐसी चेन आ जाए जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा हो, मतलब बराबर आ जाए, अगर आप ऊपर जा रहे हैं स्ट्रेट तब भी दो ही बॉन्ड आए, अगर आप नीचे जा रहे हैं तो भी दो ही बॉन्ड आए, तब क्या करेंगे, तब आप ऐसी चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड मैक्सिमम हो, यानी मल्टीपल बॉन्ड तो मैक्सिमम हो ही, साथ ही साथ कार्बन भी ज्यादा हो। इधर क्वेश्चन में आओ, यहां समझोगे, देखो जो पहला एग्जाम्पल है यहां पर, अगर आप स्ट्रेट जाइए तो आपको पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो 7, और साथ में हमें कितने मिल रहे हैं, टोटल 7 कार्बन मिल रहे हैं और साथ में 2 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो सिर्फ आपको 5 कार्बन मिलेंगे और 2 डबल बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, ये वाली चेन सेलेक्ट करनी है, ये, ठीक है, कोई समस्या दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, तो इसमें क्या करना है, सीधे सीधे दिख रहा है हमें, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रूल है कि अगर ऊपर वाले दोनों रूल फेल हो गए तब क्या करेंगे, अगर इफ अबव टू रूल्स फेल्स देन सेलेक्ट कार्बन चेन हैविंग मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या करेंगे कि अगर ऊपर वाले दोनों रूल फेल हो गए तब क्या करेंगे कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हमें ये देखना पड़ गया कि डबल बॉन्ड को ज्यादा चूज करेंगे या ट्रिपल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ये आपको चूज करने को आ जाए कि ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी हो जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो आपको डबल बॉन्ड को चूज करना है, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं चुनना है। क्वेश्चन पे आइए, जैसे अगर आप इधर जाइए तो यहां पर देखिए, तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 5 कार्बन इधर भी हैं, अगर आप स्ट्रेट जाइए तो आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन यहां पर भी आपको मिल रहे हैं। तो जब ये 5 कार्बन मिल रहे हैं तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब तो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बॉन्ड होते हैं, तो यहां पर आपको कौन सी चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे, ये वाली चेन आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत हो गया, चलो भाई आगे चलते हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन में हम कौन सी चेन को सेलेक्ट करेंगे, देखो यहां पर क्या करेंगे, अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे 6 और 1 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अगर हम नीचे चले जाएं तो आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे 6 और डबल बॉन्ड मिलेंगे 2, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा रूल है, एकदम आसान, आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे देनी है, काम हो गया, खत्म। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो भाई बताओ, जल्दी से उसको दूर किया जाए। अब चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए। अगले क्वेश्चन में बताओ क्या करेंगे। देखो साफ साफ दिख रहा है, तो इसमें जिसमें साफ साफ दिखता है उसमें हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, सीधे आपको डबल बॉन्ड को सेलेक्ट कर लेना है। बताओ यार समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में बताओ फटाफट से, इतने सिंपल सिंपल तरीके से रूल बता रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको कौन सा चेन सेलेक्ट करनी है बताइए। देखो आपको कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आप अगर स्ट्रेट जाएंगे तो भी आपको कितने 6 कार्बन 7 कार्बन मिलेंगे, और आप अगर नीचे आएंगे तो आपको 7 कार्बन नीचे मिलेंगे, साथ में 2 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में किसको चूज करेंगे, डबल बॉन्ड को। क्लियर, ओके। चलिए अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं, इतने समझ में आ गए। अगर ऊपर के तीनों रूल फेल हो जाएं, पहला रूल दूसरा रूल तीसरा रूल तीनों फेल हो गए, आप क्या करेंगे? तो ऐसी कार्बन को सेलेक्ट करेंगे, ऐसी कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है? ऐसी कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें अगर रूल नंबर 1 भी नहीं लगा, रूल नंबर 2 भी नहीं लगा, रूल नंबर 3 भी नहीं लग रहा है, तब हम क्या करेंगे? तब अगर वहां पर सब्स्टिट्यूट कोई ना कोई प्रेजेंट होगा तो हम ऐसी कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मोर सब्स्टिट्यूट आ जाए, ठीक है? अब देखो चारों रूल आपके सामने एकदम शॉर्टकट तरीके से लिख दिए गए हैं। पहला रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को कवर करना है। मान लो ये फेल हो जाए तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड और मैक्सिमम कार्बन को सेलेक्ट करना है। मान लिया ये भी फेल हो गया, तब आपको अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में लड़ाई शुरू हो जाए तो आपको डबल बॉन्ड का साथ देना है, तो आप भैया डबल बॉन्ड के साथ आ गए, और मैक्सिमम कार्बन भी देखने हैं आपको। फिर उसके बाद अगर ये ऊपर के तीनों रूल फेल हो गए तब आपको जाना है सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। अब आपके तो सर चारों रूल फेल हो गए, तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ठीक है, कि चारों रूल फेल हो जाए हम क्या करें सर, चारों रूल फेल हो गए, तो ये नहीं करना है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अब चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए भाई बताइए अब क्या करें। अगर आप देखिए, अगर आप स्ट्रेट जाइए, अगर आप यहां से स्ट्रेट जाते हैं सीधे तो भी आपको 5 कार्बन मिल रहे हैं और 2 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं। अगर आप नीचे जाइए तो भी आपको 5 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है, और 2 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं। तो आपको कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है? तो आपको ये वाली चेन सेलेक्ट करनी है भाई साहब, ये वाली, ठीक है? क्योंकि यहां पर क्या है, ये आपको एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, ठीक है? रूल नंबर 4 लगा यहां पर। कौन सा रूल लगा? रूल नंबर 4। अब देखो अगले वाले क्वेश्चंस, अगले वाले क्वेश्चन में आइए यहां पर। अब बताओ भाई कौन सा यहां पर क्या सेलेक्ट करें, कैसे आएगा ये वाला, ठीक है? ये यहां पर आएगा, ये देख अभी दिख रहा है, ठीक है, ये यहां पर आएगा। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये वाला भी तो हो सकता है, ये वाला ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, तो दोनों सही हैं। आप ऊपर से करिए, ये यहां से कहां तक जाना है, ये इधर, ठीक है, ये दोनों चेन सही हैं, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी इन दोनों चेन में। ये वाली भी सही है, अगर आप स्ट्रेट आते हैं तो भी सही है, और अगर आप इधर आते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए अगर यहां पर अब एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला आ गया, अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले खेल में आपको क्या करना है भाई साहब, बताइए जरा जल्दी से बताइए आपको क्या करना है। ये तो आपको पहले वाले चौथा रूल ही नहीं लगा, ये तो कौन सा तीसरा रूल लग गया आपका। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपको कंपैरिजन करना था, तो आप समझ गए क्या कंपैरिजन करना है। अगला क्वेश्चन भाई साहब बताइए, फटाफट से बताना है आपको अगला क्वेश्चन। चलिए जल्दी से आप कमेंट में लिखिए, क्वेश्चन में कुछ है गड़बड़, मैं आपको इसको सही कर देता हूँ। ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, एंड एक सेकेंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, इसको सही कर लेना, ठीक है?
ये इस तरफ। ठीक है, आप इसको सही कर लीजिए, एक बार दोबारा से देख लें। ठीक है, इसको आपको सही करके लिखना है। ठीक है, तो भाई साहब आप बताइए कौन सी चेन को सिलेक्ट करें। तो आप अब कौन सी चेन को सिलेक्ट करेंगे, अब आप इस चेन को सिलेक्ट करेंगे, ये चेन आपको सिलेक्ट करनी। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चंस में। बताइए अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है इस समय। चलिए, इसमें कौन सा रूल लगेगा ये भी बताना है, बस दो क्वेश्चन ही और करने हैं, इसके बाद मैं आपको नंबरिंग सिखाऊंगा। ठीक है, दो क्वेश्चन और जल्दी जल्दी से कर लीजिए, जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ शायद ही कोई कराएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा लेक्चर खत्म होते तक। जब मेरा लेक्चर खत्म होगा आप अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग कैसे करेंगे ये एकदम क्लियर हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है, अगर आपने पूरा मेरा लेक्चर देखा। ठीक है, तो इतने दावे के साथ कोई नहीं कहता है जितने मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको लिखिए। चलिए बताइए, अब इसमें आपको कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं ये बताइए। तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है बेटा, स्ट्रेट। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है या नहीं ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में, फटाफट से यस लिख दीजिए अगर क्रिस्टल क्लियर हो रहा है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए कौन सा आपको लग रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाली चेन भी सही है, और अगर आप इधर से आते हैं तो ये भी सही है, कोई दिक्कत, दोनों में से कोई आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जाएंगे किधर, जो नीचे वाले में है इसको मैं अलग से थोड़ा कलर कर देता हूँ, ये जो है ये वाली चेन है। ठीक है, ये दोनों सही है, ये वाली भी और ये वाली। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि नंबरिंग कैसे करनी है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में नंबरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इससे पहले जितना अभी तक हमने समझाया है पढ़ाया है, क्या आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलें आगे। ओके, तैयार हैं आप लोग नंबरिंग सीखने के लिए, एकदम तैयार? चलिए फिर मैं आपको बताते हैं। देखिए पहला रूल क्या कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड्स गेट लोएस्ट लोकेंट नंबर, मतलब कि जो मल्टीपल बॉन्ड होगा उसको आपको मिनिमम नंबर देना है, ये आपका मेन उद्देश्य है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आपको मिनिमम नंबर देना है। इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन में डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो नंबरिंग यहीं शुरू कर दो, ये वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, पैरेंट चेन सेलेक्ट हो गए भाई, नंबरिंग कर दी हमने, खत्म काम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब आपको बताना है कि नंबरिंग किधर से करेंगे। तो भैया आपको चेक करना पड़ेगा पहले, तो आपको नंबरिंग इधर से एक बार करके देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो यहां पर जो आपका मल्टीपल बॉन्ड बना वो एक पर बना और छह पर मिला मिला। अगर हम नीचे से नंबरिंग करें तो ये होगा वन, ये होगा टू, ये होगा थ्री, ये होगा फोर, ये होगा फाइव सिक्स एंड सेवन। तो इधर अगर हम देखेंगे तो आपको मिला टू और सिक्स पर, तो ये हो गया एट और ये हो गया सेवन, तो मिनिमम हमें देना है, तो ये वाला करेक्ट है, ऊपर वाला जो नंबरिंग है ऊपर वाली वो सही है, नीचे वाली नंबरिंग गलत है। क्लियर, कोई डाउट? यानी जो आपने लेफ्ट से नंबरिंग करी है वो सही है और जो राइट से नंबरिंग करी है वो गलत है। ठीक है, चलो भाई साहब नंबरिंग का पहला रूल का आखिरी क्वेश्चन बताइए। चलिए क्या कहता है ये क्वेश्चन का आखिरी रूल। हाँ जी, चलो बताओ अब यहां पे किस तरफ से नंबरिंग हमको करनी है। तो यहां पर आपको नंबरिंग करनी है ऊपर से, अगर नंबरिंग कर रहे हैं चलो करके देख लेते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, नीचे से एक बार करते हैं। तो अगर ऊपर से कर रहे हैं तो आपको एक तो पहली पोजीशन पर मिल रहा है, फिर मिल रहा है आपको सिक्स्थ पोजीशन पर,
और फिर मिल रहा है आपको सेवन पोजिशन पर, ठीक है, 1, 6 एंड 7। अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं, राइट से करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बताइए, इधर देखो, तो यहां पर मिलेगा आपको 1 पर, फिर आपको मिलेगा 3 पर, फिर आपको मिल रहा है बेटा 7 पर। तो ये टोटल होता है आपका जाके 11, और ये टोटल आपका होता है जाके 14। तो आप किधर से नंबरिंग करेंगे? राइट से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, इस तरफ से आपको नंबरिंग करनी है, सॉरी, इस तरफ से आपको नंबरिंग करनी है। ये ऊपर जो होगा आपका, ये आएगा 14, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये वाला जो नंबरिंग है ये आपका सही है, इस तरफ से आपको नंबरिंग करनी है। बताइए, पहला रूल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत पहले रूल में? नहीं। चलिए आगे चलते हैं, रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या कहता है? इफ लोकेंट नंबर, अगर लोकेंट नंबर मल्टीपल बॉन्ड का सेम हो दोनों साइड से, अगर मल्टीपल बॉन्ड का नंबर चाहे आप राइट साइड से जाएं तब भी सेम हो जाए और लेफ्ट साइड से जाएं तब भी सेम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले एस तरफ से नंबरिंग करेंगे। समझ गए कि अगर आपने राइट से नंबरिंग करी तब भी यार हमको नंबर लो मिल रहा है, हम लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तब भी हमको नंबर लो मिल रहा है, तो क्या करें? तो आपको ऐसा करना है कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले ऐसे नंबरिंग करनी है। अब देखो, अगर मैं इधर से चलूं तो होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो यहां पर अगर मान लो मैं इस तरफ से नंबरिंग करता हूं, ठीक है, जो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, तो 1 ये होता 2, ये होता 3, ठीक है। तो यहां पर आपका जो मिनिमम नंबर मिल रहा है ना, वो ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है, तो इसलिए इस तरफ से नंबरिंग नहीं करनी है। नंबरिंग किस तरफ से करनी है? जिस तरफ से आपका डबल बॉन्ड को मिनिमम मिले। समझ गए, रूल नंबर टू क्लियर? चलिए रूल नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। अगर ऊपर वाले दोनों रूल ना लगे, मान लिया कि ऊपर वाले दोनों रूल नहीं लग रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? रूल नंबर थ्री की तरफ हम लोग मूव करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। रूल नंबर थ्री क्या कहता है कि इफ एबव टू रूल फेल्स देन नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट एंड वेयर सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट लोकेंट नंबर। कि अगर ऊपर वाले दोनों रूल फेल हो गए तो आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा, तो आपको नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से आपको सब्स्टिट्यूएंट का नंबर मिनिमम, ठीक है, उसको लोएस्ट नंबर मिले। यही तो है लोएस्ट लोकेंट रूल। चलो भाई, अब अगर आपको साफ साफ दिख रहा है, ये तो अंधा भी बता सकता है यार नंबरिंग किधर से होगी, तो आप लोग तो एकदम जीते जागते हंसते खेलते एकदम आंखों वाले व्यक्ति हैं, तो आप बता सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, बोलो मित्रों, समझ में आया कि नहीं आया, हुआ कि नहीं हुआ? चलो, अब हमने मान लिया कि अब ऐसा रूल भी आ गया एक मार्केट में, कि कैसा रूल आ गया मार्केट में कि पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, ये सब फेल हो गए नंबरिंग के, तो क्या करें? तो भाई साहब, आपको नंबरिंग में जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, उसके अल्फाबेट पर जाना है, यानी ABCD पर जाना है, और जो ABCD में पहले आएगा नंबरिंग उधर से होगी। आइए, कम समझ में आया ना, एग्जांपल पर आइए। देखिए, पहले तो आपको पैरेंट चेन सेलेक्ट करनी है भाई साहब, तो पहले हमने पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया। देखो, ये हमने पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, देखो दिख रही है, ये हमने पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम नंबरिंग किस तरफ से करें? अब एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये है इथाइल, जो कि शुरू हो रहा है ई से, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये है मिथाइल। कौन सा है? मिथाइल, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है, ठीक है। तो हाँ, अभी देखो, एक जो है वो ई से शुरू हो रहा है, एक जो है वो एम से शुरू हो रहा है,
तो आप बताइए, एबीसीडी तो पढ़ी होगी ना, तो इसमें कौन पहले आता है? ई पहले आता है, तो हम नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? इस तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरफ से नंबरिंग करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं ना कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम, हर एक चीज आपके दिमाग में क्लिक करेगी, कोई भी बाहर से आ ही नहीं सकता, सब कुछ यही अराउंड, इसी के आसपास घूमता रहेगा। ठीक है, तो अब नंबरिंग का खेल हो चुका है खत्म। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं आपको नेमिंग की तरफ। ठीक है, अब नेमिंग कराएं, उससे पहले आप लोग जरा थोड़ा सा सांस ले लीजिए, थोड़ी पानी पी लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तब तक हम आपको आगे नेमिंग बताते हैं। चलिए भाई साहब, अब करते हैं नेमिंग स्टार्ट। पानी वानी पी लिया होगा आप लोगों ने, तो अब नंबरिंग करनी। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, चलिए बताइए, सॉरी नेमिंग कैसे करेंगे? एक सेकेंड, चलिए करते हैं नेमिंग स्टार्ट। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। तो जब आपको पेरेंट चेन यहां पर दिख रहा है, कौन सी होगी, कर्सर आपको दिख रहा है ना, तो ये वाली पेरेंट चेन होगी कि जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होंगे, सॉरी फॉर दैट, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या, कौन सी चेन सेलेक्ट होगी और नंबरिंग किधर से होगी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कौन कंपेरिजन में जीतता है, डबल बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4, सॉरी 4 और 5, ये 5 कार्बन की चेन हमने सिलेक्ट कर लिया। अब लिखना कैसे है? ये तो आपको पता है, सबसे पहले क्या होता है, रूल वही लगेगा, PWS। ठीक है, फिर सबसे पहले सेकेंडरी प्रिफिक्स लिखती हो, फिर प्राइमरी प्रिफिक्स लिखो, फिर रूट वर्ड लिखो, फिर आपको प्राइमरी सफिक्स लिखना है, फिर आपको सेकेंडरी सफिक्स लिखना है, इतना सिंपल है नाम लिखना। चलिए भाई साहब, तो लिखिए पहले का नाम, आप लोग आप लिखेंगे, स्टार्ट करिए लिखना। तो तीसरी पोजीशन पर आपको क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा 4 कार्बन का आपको प्राइमरी सेकेंडरी प्रिफिक्स क्या है, ब्यूटाइल। कितनी कार्बन, कौन सी पोजीशन पर है, तीसरी, तो नाम हो जाएगा 3 ब्यूटाइल, हो गया 3 ब्यूटाइल। फिर आपको रूट वर्ड पर आना है क्योंकि प्राइमरी प्रिफिक्स है नहीं, तो आपको रूट वर्ड पर आना है। रूट वर्ड क्या है, 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे बेटा, पेंट, 5 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा, पेंट। फिर आते हैं अब किसको किधर से नंबरिंग करें, अब हम किसको पहले लिखें। तो देखिए लिखने में हम किसको पहले लिखते हैं, जो एबीसीडी में पहले आता है, इन का ई, आइन का वाई, ई पहले आता है, तो क्या लिखा जाएगा, पहले ई लिखा जाएगा, यानी इन वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा 1 इन। ठीक है, और फिर आपका आता है फोर्थ पोजीशन पर आइन, और इतना तो आपको पता ही होगा कि जहां पर आइन होता है वहां पर ई जो है वो कट जाता है क्योंकि वाई लिखा है, इस वजह से ये रूल होते हैं, तो बहुत पहले आपने पढ़े होंगे बचपन में, इसलिए आपको नहीं बताया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगला नाम, अगली नंबरिंग आपको बतानी है। चलिए शुरू करिए भाई, एकदम सिंपल सा है, तो आपको पता होगा किधर से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन हो गए, इधर से नंबरिंग कर दिया। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, कि तो सिंपल हो गया, रूट वर्ड है क्योंकि कोई भी यहां पर प्राइम सेकेंडरी प्रिफिक्स दिया ही नहीं गया, तो रूट वर्ड हेप्ट हो गया। अब यहां पर जो है सेकेंड पोजीशन पर आपका इन लिखा है, तो क्या हो जाएगा, 2 इन। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। चलिए भाई अब अगला कार्बन देख, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप कौन सा पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं,
चलो चलिए भाई बताइए, एक सेकेंड मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, अभी आपको दिख रहा होगा। चलिए भाई बताइए, तो हम नंबरिंग किस तरफ से करें, इधर से करें? मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो 3, 4, 5, 6 और 7, 7 कार्बन की आपकी मेन चेन है। एक आपको मिथाइल मिल गया यहाँ पर, कौन सी पोजीशन? तीसरी पोजीशन पर लिख दो, तीस थर्ड, यानी 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया। और इसके बाद आपको क्या करना है, 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए बेटा क्या लिखते हैं, हेप्ट। 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट। और फिर क्या लिखेंगे, 1-ईन, काम खत्म। या इसका एक और नाम लिख सकते हैं, 3-मिथाइल हेप्टीन। 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, 3-मिथाइल हेप्टीन सिंपल सा नाम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन पहले कर लो, फिर हमें आपको एक नोट बताते हैं। देखो इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, दो तरफ दिए हैं, तो आपको पहले दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखना है, वही ऐड करके किस तरफ से आपको लोएस्ट नंबर मिल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरफ जो है ये आपको मिलेगा लोएस्ट, तो इस तरफ से नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। नाम लिखेंगे, तो जब हम नाम लिखते हैं तो इसका तीसरे पोजीशन पर सबसे पहले तो सेकेंडरी प्रिफिक्स आता है, और ये हो जाएगा 3-मिथाइल, हो गया 3-मिथाइल। अब आपको क्या करना है, 7 कार्बन है इसलिए लगाना है आपको हेप्ट, लगाया आपने हेप्ट। अब देखो डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड के लिए बेटा क्या लगाते हैं, डाई ईन, पता है ना आपको डाई ईन। और एक नोट अब मैं यहां पर लिखा रहा हूं, नोट ये लिखना है कि आपको रूट वर्ड में, जो आपका रूट वर्ड होगा, वर्ड रूट या रूट वर्ड, ठीक है कुछ भी लिख लीजिए, रूट वर्ड में आपको ए ऐड कर देना है, अगर कहां कहां पर, अगर डाई इन लो, डाई सॉरी इन हो, डाई आइन में भी लगाते हैं, ऐसी ऐसा नहीं है कि डाई आइन में नहीं लगाते, लेकिन यहाँ इन की बात कर रहे हैं, आइन अभी आगे बताएंगे। डाई इन हो, ट्राई इन हो, सॉरी ट्राई इन हो, टेट्रा इन हो, यानी अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हैं तो वहां पर क्या करते हैं, हम डाई इन, ट्राई इन, टेट्रा इन से पहले जो वर्ड रूट आपने लिखा है वहां पर हम ए जोड़ देते हैं। अब यहां पर आपको जो है वो 2 आपको डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, कौन सी पोजीशन, पोजीशन नंबर 1 और 5 पर, तो क्या है, डाई इन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें ए ऐड कर देंगे, ये हमने ऐड कर दिया यहां पर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, छोटा सा पॉइंट था समझ में आ गया, कोई गलती कोई भी प्रॉब्लम में छोड़ नहीं रहा हूं, हर एक चीज पे क्वेश्चंस तैयार है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन चलिए बताइए, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। चलो भाई पहला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब आपको नंबरिंग करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूट वर्ड लिखो, 5 कार्बन के लिए आता है पेंटा, क्योंकि 2 बॉन्ड है ना, तो हो जाएगा क्या, पेंटा। नंबरिंग बताइए, 1 और 4, डाई इन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में नंबरिंग किधर से करेंगे, इस तरफ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन हो गए। अब आपको नाम लिखना है सबसे पहले, तो नाम आपका क्या आएगा, रूट वर्ड, तो वर्ड रूट क्या है यहां पर, 7 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेप्ट, हेप्ट की हेप्टा, हेप्टा बोलो मित्रों, क्या आएगा, हेप्ट आएगा कि हेप्टा आएगा, हेप्टा आएगा बेटा, ठीक है। तो यहां पर अब कितने डबल बॉन्ड हैं, 3 डबल बॉन्ड हैं, तो क्या आएगा, वो 1, 3, 5 हो गया। फिर क्या आएगा, ट्राई इन, समझ में आया बोलो, ठीक है। अभी डबल बॉन्ड के कुछ क्वेश्चंस और हैं,
दो क्वेश्चन डबल बॉन्ड के और कराऊंगा, फिर आपको ट्रिपल बॉन्ड पे भी कराते हैं, ठीक है। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे सर डबल बॉन्ड ही कराए जा रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं करा रहे हैं? करा रहे हैं भैया, करा रहे हैं, दो मिनट का सब्र करो, बस करा रहे हैं। देखो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे करते हैं, यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे, ये हो गया वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा फाइव, ठीक है। पांच कार्बन, तो आप बताइए क्या नाम लिखेंगे। नाम होगा सबसे पहले तो आप सेकेंडरी प्रोफिक्स लिखिए, थ्री प्रोपाइल लिख दिया, चलो भाई लिख दिया थ्री प्रोपाइल। अब क्या करें, अब रूट वर्ड लिखो, रूट वर्ड में लिखेंगे पेंट लिखें कि पेंटा लिखें, पेंटा, क्योंकि दो डबल बॉन्ड हैं, कौन सी पोजीशन, वन एंड फोर्थ डाइईन, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है भाई, चलो इजी पीजी क्वेश्चन है ना, एकदम आसान से। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसको, इसको बहुत मन से करना क्वेश्चन, ठीक है। चलो बताइए नंबरिंग किधर से करें, इधर से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ऊपर से क्यों नहीं करी नंबरिंग, बेटा ऊपर से नंबरिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि इस तरफ से जो आपका इथाइल है ना वो आ रहा है, अगर ऊपर से करोगे तो तीन नंबर पर मिथाइल आ रहा है, नीचे से करोगे तीन नंबर पर इथाइल आ रहा है, तो ई पहले आता है या एम, ई पहले आता है, तो इसलिए नंबरिंग नीचे से शुरू की गई है, ठीक है। अब नाम लिख लेना है, नाम क्या लिखा जाएगा, थ्री इथाइल, थ्री इथाइल, फिर फोर मिथाइल, ओके लिख गया, फिर कितने रूट वर्ड हैं, मतलब छह कार्बन है तो क्या आएगा बेटा, हेक्स, हेक्स आएगा कि हेक्सा आएगा, हेक्सा आएगा, नंबरिंग बताओ हेक्सा की, तो एक है आपका, एक है आपका कौन सा, वन पर, और दूसरा है आपका फिफ्थ पर, आ जाएगा डाई ई, एकदम क्लियर। चलिए अब आप क्वेश्चन करें आइन वाले, इससे पहले भी वही रूल है कि अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे तो वही रूट वर्ड से पहले ए जोड़ देंगे, ठीक है। अगर सेवन कार्बन का है मान लो तो, और दो डबल ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो आप क्या लिखेंगे, हेप्टा, जो आपका है ना सेवन कार्बन के लिए लगाते हैं क्या, हेप, तो लगाएंगे हेप्टा जो भी पोजिशन होगी, और डाई आइन इस तरीके से लिखेंगे। चलो अब इसमें नंबरिंग बताइए किधर से नंबरिंग करना है, तो इसमें नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। आपको कैसे पता सर कि इधर से ही नंबरिंग करेंगे, इधर से करके देखिए, तो करके देखो और ऐड करके देखो नंबर किधर से मिनिमम मिल रहा है, बस वही करना है आपको, इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है, जितनी कर पाना है उतनी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब बताइए, चलिए आगे चलते हैं, इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सेवन कार्बन है तो सेवन कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, हेप्ट, क्या लगाएंगे, हेप्टा, क्योंकि दो ट्रिपल बॉन्ड हैं, पोजीशन एक है बेटा सेकंड पर और एक है फोर्थ पर, ठीक है, फिर क्या आएगा, डाई आइन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें पहले रूट वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो दोनों तरफ ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबरिंग बताओ किधर से होगी, उस तरफ से जिस तरफ आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसको जो साइड चेन है इसको मिनिमम नंबर मिलेगा, तो हम नंबरिंग करेंगे इस तरफ से, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री फोर, ये क्या है फोर, फिर फाइव और फिर सिक्स, ठीक है, इस तरफ से नंबरिंग करती है। नाम क्या लिखेंगे, नाम हो जाएगा तीस नंबर पर प्रोपाइल लगा है तो नाम हो जाएगा थ्री प्रोपाइल, फिर क्या करना है, रूट वर्ड हेक्सा, ओके पोजीशन वन एंड फाइव, पहली और पांचवी पोजीशन पर है ना, और क्या आएगा फिर, डाई आइन, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेटा आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इसी में शामिल है। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि मेरे क्वेश्चंस करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ नहीं रही होगी, जो एकदम फॉलो कर रहे हैं पिछले तीन लेक्चर से जिन्होंने फॉलो किया है उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ी होगी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए, इसमें कौन सी पेरेंट चेन सेलेक्ट करी है आपने, ये वाली, ठीक है। तो अच्छा अब नंबरिंग किधर से करेंगे, फिर से भाई बात, ये चीज देखिए, ये है क्या, इथाइल,
और ये है क्या, मिथाइल। तो नंबरिंग किधर से होगी, इथाइल की तरफ से। ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। ठीक है, तो अब नाम लिखिए। नाम इसका क्या लिखा जाएगा, नाम होगा इसका थ्री इथाइल, थ्री इथाइल, फाइव मिथाइल, थ्री इथाइल, फाइव मिथाइल, हेप्टा, हेप्टा, वन कॉमा सिक्स, वन कॉमा सिक्स डाई आइन। ठीक है, वन कॉमा सिक्स डाई आइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किस तरफ से नंबरिंग करें। हाँ जी, चलिए अब नंबरिंग किस तरफ से करनी है ये आपको बताना है। इसी तरफ से नंबरिंग करनी है, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। इधर से करते हैं तो मैक्सिमम नंबर मिल जाता है, इस वजह से नहीं करी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में कि क्यों नहीं करी, तो इसलिए नहीं करी। अब यहाँ पर दोनों हैं तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको रूट वर्ड लिखना है। रूट वर्ड क्या है, ऑक्ट। आठ कार्बन है, ऑक्ट। अब बताइए ई पहले आता है या वाई पहले आता है। ई पहले आता है, पोजीशन क्या है डोंट मैटर, नंबरिंग क्या लिखी है वो नहीं मैटर करता है, इस अल्फाबेट में कौन पहले आता है, ई पहले आता है। तो लिखिए हेप्टा सिक्स इन और वन आइन। आई लिखा, वाई लिखा है, इस वजह से ये वाला ई जो है वो कट जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने दो लास्ट, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, चलिए दो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। अब यहां पर नंबरिंग कैसे करेंगे, ये हो गया वन, ये होएगा टू, थ्री, फोर, फाइव। पांच कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लिया आपने। नाम क्या देंगे इसका, पेंट की पेंटा, पेंट नाम देंगे, क्योंकि दो अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पेंट वन इन और थ्री आइन, वन इन थ्री आइन। ई कट जाएगा क्योंकि वाई दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, अगले इसमें आपको बताना है। भाई बताइए नंबरिंग, बताइए किधर से करें। नंबरिंग होगी सर आपका लेफ्ट साइड से, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। सेवन कार्बन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, सेवन कार्बन क्या है दिख रहे हैं। अब बताइए नाम क्या लिखें। नाम हो जाएगा इसका हेप्टा। सबसे पहले आप क्या लिखना है, रूट वर्ड लिखना है, तो लिख दिया। नाम हो गया इसका हेप्टा। कार्बन नंबर बताए, अब आपको क्या लिखना है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में कई सारे हैं, तो अब आपको देखना है नंबरिंग, लिखना है नंबरिंग और फिर आपको लिखना है। हेप्टा क्यों लगाया, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है ना, इस वजह से। ठीक है, पोजीशन बताइए, वन और थ्री, डाई इन, और फिर आएगा आपका सिक्स नंबर पर आइन। वाई होने की वजह से ये ई कट जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपको करना है, एंड देन इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, फोर क्लोरो। अच्छा, यहाँ पर भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मिथाइल है, और वो भी दो दो, तो आप लिखेंगे पहले क्लोरीन, क्लोरो को। तो नाम हो जाएगा इसका क्या, फोर क्लोरो, फोर क्लोरो, थ्री कॉमा फाइव, थ्री कॉमा फाइव, डाई मिथाइल, थ्री कॉमा फाइव, डाई मिथाइल, और छह कार्बन है इसलिए क्या लगाएंगे, हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड दे दिए यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, एन। आपका प्रीवियस ईयर वाला जो प्रीवियस तीन टॉपिक हमने पढ़े हैं वो आपका इस क्वेश्चन में रिवाइज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। हमने अब इस लेक्चर से आपको खत्म कर दिया है सैचुरेटेड का,
कैसे आपको लिखना है नेमिंग, अनसेचुरेटेड का कैसे नेमिंग लिखना है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स हमने आपको बताया था, तो उसमें आप नेमिंग कैसे करेंगे, कैसे आपको साइक्लो आ जाए, बाइसाइक्लो आ जाए और फिर स्पायरो आ जाए, इन सब में बेटा एक एक लेक्चर लगेगा। अलग अलग लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको नेमिंग करनी है। साइक्लो का अलग पूरा लेक्चर होगा, बाइसाइक्लो का पूरा अलग लेक्चर होगा और स्पायरो का अलग होगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा अब आपको क्या करना है, मैं ये बताता हूं आपको। इस लेक्चर को आपको तुरंत से लाइक करना है, ठीक है, आपको तुरंत से लाइक करना है पहले नंबर में। फिर कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, जो शायरी सुनाई, जो आपको इतना लंबा लेक्चर आपने देखा आज, वो कैसा लगा, और जो लाइव वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था वो भी आपको बताना है, ठीक है। फिर इसको आपको शेयर तो करना ही करना है, कोई डाउट ही नहीं है जो आप अगर शेयर ना करें तो, ठीक है, क्योंकि मेरा काम मैं अपनी पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, ये देखना है कि आप अपना काम कितनी ईमानदारी से करते हैं, ठीक है। शेयर करना है आपका काम, पढ़ना जो मैं बता रहा हूँ उसको रिवाइज करना और शेयर करना, ये आपका काम है, ठीक है। तो आप उस काम को बहुत ईमानदारी से करेंगे, ये पूरी उम्मीद है मुझे। इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक और बाय बाय।